अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये है मेरे किचन का व्लॉग और ये मेरे किचन की एंट्रेंस है। तो इस तरह से है कि रमज़ान आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से मैंने रमज़ान की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से रख दी हैं और साथ में ये है फ्रूट बास्केट्स जो कि अभी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि जब रमज़ान स्टार्ट होगा तो उससे एक दिन पहले जाके हम फ्रूट्स ले आएंगे। वैसे दो या तीन दिन पहले फरमान गए थे पांडा कुछ ग्रोसरी लेने के लिए, रमज़ान की मैं नहीं गई थी, तो वो एक दो या तीन फ्रूट्स ले आए थे जो कि फ्रिज में रखे हुए हैं। तो ये है कि इस बार मैंने सबसे पहले अपने किचन को क्लीन किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जो सांस है वो अभी तक ठीक नहीं है, तो मुझे बस यही डर लगा रहता है। अक्सर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैंने इस बार ये सोचा कि सबसे पहले मैं यूँ करती हूँ कि अपना जो किचन है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और बाकी जो मेरी सफाइयाँ हैं वो मैं थोड़ा सा बाद में करती हूँ, मगर सबसे पहले इस बार मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया बस इसी ही डर की वजह से। तो ये है कि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादातर अपने किचन को क्लीन रखती हूँ और बहुत डिटेल में हर वक्त ही क्लीनिंग करती रहती हूँ। और ये है कि मेरा जो किचन है वो बहुत बुरी तरीके से चीज़ों से भरा होता था हमेशा हमेशा। इस बार सबसे पहले तो मैंने ये किया कि मैंने काफ़ी सारी ही चीज़ें अंदर बहुत अच्छे से रखती हैं, और क्योंकि ये होता था कि मैं जब भी वीडियो बनाती थी तो मुझे उसको उन सारी ही चीज़ों को साइड पर कर कर और फिर मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं होती थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया और उसके बाद थोड़ी सी मैंने सेटिंग जो है वो चेंज कर दी। वैसे ये तीसरी बार है जो कि मैं अपने किचन को ठीक कर रही हूँ और बहुत ही डिटेल में क्लीन कर रही हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इधर से चेंज कर दी हैं। जैसे ये जो प्लेट्स हैं ये मैंने रमज़ान के लिए ये वाली निकलवा ली हैं, और बाकी तो मैं इससे ज़्यादा और चीज़ें अंदर नहीं रख सकती थी, ये कुछ बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं जो कि मैंने अपनी जो ये मशीन है इस पर डाला हुआ है, सॉरी मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये कैसा लगेगा, मगर मैं ऐसी ही हूँ और मैं थोड़ा सा चीज़ों को ढक कर रखती हूँ। और इधर विमटो की बॉटल है, जैसे हमारे पाकिस्तान में रू अफ़ज़ा और जाम शीरी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, तो इस तरह यहाँ पर विमटो, और ये तो बस मेरी जान ही है। और बाकी ये पीछे जो टिश्यू रोल है ये इसका जो स्टैंड था वो मैंने अंदर रख दिया और बस इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। और बाकी यहाँ पर ये कुछ शीट्स पड़ी हुई हैं, और बस अभी मैंने जस्ट ऐसे किया कि ज़्यादातर सारी चीज़ें मैंने अंदर रखी और बहुत थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें निकाली हैं, मगर मेरा अभी प्लान है एक दो दिनों में अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ के लिए कुछ नई चीज़ें ले आऊँ और इन सब चीज़ों को मैं हटा दूँ, ये तो बस मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था।
और बाकी बस मैंने अपनी तैयारियां भी अब शुरू करनी थी. इसके बाद जैसे समोसास एंड रोल्स बनाना और बाकी चीज़ें जो मैं बनाती हूँ रमज़ान में, तो वो बस मैंने स्टार्ट करना था. तो मैंने एक एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लीन की है. और वैसे ऐसा है कि अगर आप मेरी कोई भी कैबिनेट खोल कर देखें तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा वो ख़राब होगी. थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी, ज़्यादा नहीं. ये जो पूरा किचन जो मैंने क्लीन किया था इसमें मुझे पूरा एक दिन लगा था, मगर ऐसा था कि अंदर से जितनी भी सारी कैबिनेट्स थी वो क्लीन थी, उसके बावजूद मुझे एक दिन लगा था. और ऊपर ये मैं आप लोगों को गीज़र दिखा रही थी. तो ऐसा नहीं था कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, मगर मैं ऐसी हूँ कि बस मैं कहती हूँ कि नहीं, जब किचन की सफाई हो रही है तो एक एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए. हालांकि आपको पता है कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके रूम में बैठ जाती थी, फिर से आती थी और फिर क्लीन करती थी. और यहाँ पर ये जो मैट है ना, ये भी मैंने चेंज कर दिया, और ये तीसरी दफ़ा मैंने चेंज किया है कोरोना के बाद. तो बस बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. यहाँ पर एक टेबल और एक दो चेयर्स थी जो कि मैंने बाहर रख दी हैं चेयर्स चेंज के लिए. और उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्टोर है और काफ़ी बड़ा है. और बस इस साइड पर वॉशिंग मशीन है, नीचे जो है वो बास्केट रखी हुई है क्योंकि कुछ कपड़े थे धोने वाले. और यहाँ पर ये एयर फ्रायर है और साथ में ये एक और मेरी मशीन है. और देखिए यहाँ पर भी मैंने मैट डाल दिया है. तो बस मैं ऐसी ही चीज़ों को ढक कर रखती हूँ क्योंकि मैं अपनी हर एक चीज़ की बहुत कदर करती हूँ और बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखती हूँ. और 6 साल हो गए हैं हमें इस घर में और मैंने बहुत प्यार से इस घर को रखा है. तो बस यही है मेरा किचन. अभी जस्ट मैंने क्लीनिंग की थी, कुछ ख़ास नहीं किया था, कोई डेकोरेशन नहीं की थी. और सिर्फ ये दिखा रही थी आप लोगों को कि इस तरह से मैंने एक एक चीज़ क्लीन की है. मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि रमज़ान के लिए मैंने ऐसा किया, मैं हमेशा कुछ दिनों में ऐसे ही करती हूँ. और ये मुझे अभी थोड़ा सा ज़्यादा खाली खाली लग रहा था. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से ही इसको भरना पड़ेगा. मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर दूँगी फिर से क्योंकि मुझे वही आदत हुई भी है. और बाकी ये जो लाइट देख रहे थे कि हमने आइकिया से ली थी ज़्यादा से. तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा किचन? और आज तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में दिखाया है. तो ये मेरा बहुत प्यारा सा किचन है जिसको एक एक चीज़ को मैंने बहुत प्यार से रखा है, चाहे वो मैं कितने ही पैसों के लेकर आई हूँ. और बस ये सामने से कुछ और चीज़ें भी हट जाएंगी, ये जो शीट्स पड़ी हुई हैं क्योंकि रोल्स समोसास और मज़ीद जो चीज़ें होती हैं वो बन जाएंगी. और कुछ और भी चेंज करूँगी तो ज़रूर ही दिखाऊँगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि कैसा लगा. अल्लाह हाफ़िज़.